नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि दुबई में ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, एक्सपीरियंस ड्राइवर की कितनी सैलरी होती है, तो आपको नया फ्रेशर ड्राइवर के लिए आपको कितनी सैलरी वो लोग प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग टाइम में, तो पूरा वीडियो को प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करने वाला। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आप पीछे मेरे देख रहे हैं, सारे कार जो मेरे पीछे खड़ी है दोस्तों, ये जो है ड्राइवर है, और ये सारे ड्राइवर जो है दुबई में काम करते हैं, और इनको जो है स्पेशल सैलरी मिलती है दोस्तों। और एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे हो गए तो उसी हिसाब से आपको सैलरी भी ऑफर की जाती है। तो दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और आवाज़ भी आ रहा है, हम लोग गाड़ी के अंदर चलते फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, दुबई के अंदर ड्राइविंग जो लाइसेंस अगर आपके हाथ में आ जाता है तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करके पूछते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, ड्राइवर की सैलरी दुबई के अंदर कितनी होती है, उसको दुबई के जो पैसे होते हैं दोस्तों दिरहम्स में। मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोस्तों दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारे पैसे का भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा समय का इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इन्वेस्ट करने के बाद में हमको तब जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद वही आदमी सोचता है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कितना सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग छोटी गाड़ी का बोल रहा हूँ दोस्तों, जो मैं लाइट व्हीकल का जो स्टार्टिंग सैलरी है 2000 से 500 से ऊपर स्टार्टिंग होती है, मतलब 2000 धर्म से ऊपर ही होती है दोस्तों, मतलब 2500 अच्छी खासी कंपनी मिल गई तो 3000 प्लस भी आपको सैलरी मिल जाती है दोस्तों। लेकिन जो 2000 से कम सैलरी कोई भी कंपनी आपको नहीं देती है दोस्तों दुबई के अंदर। टोटल सैलरी बताया आपको, इसमें ओवरटाइम मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो प्रॉपर जो है दुबई में ड्राइविंग काम करेंगे तो 8 घंटे के बाद में ओवरटाइम चलता है, और ड्राइवर का काम ओवरटाइम बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी साइट पे आदमी लोग को लेके जा रहे हैं, तो जो साइट में काम करने वाले लोगों को छोड़ के अगर आप लेके आते हैं तो भी आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा और ज्यादा ओवरटाइम मिलता है शाम के टाइम। सुबह का टाइम स्टार्टिंग दो आदमी लोग काम शुरू करने से पहले 2 घंटा शुरू होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर ओवरटाइम और सैलरी करें तो आप लोगों को 2500 और 3000 के आसपास में आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाता है दोस्तों। ओवरटाइम मिलाएंगे तो आपको बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर आपको फ्राइडे हॉलीडे के जो छुट्टियां होती है, छुट्टी के टाइम पे भी अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी खासी 3000 प्लस आपको सैलरी हो जाती है दोस्तों दुबई में छोटी गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है। तो गाइस, ड्राइविंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो चलता पर वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपको जरूर रिप्लाई करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।